कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए इस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन है। इसी बीच गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए कई सामाजिक संस्थाएं और समाज सेवी आगे आने लगे हैं। इसी कड़ी में राजधानी जयपुर के राजा पार्क व्यापार मंडल सर्वमंगल सेवा समिति फेडरेशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्रीज की ओर से प्रतिदिन 20,000 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के पहले दिन से ही राजा पार्क स्थित आर्य मंदिर में खाना बनाने का काम बदस्तूर जारी है। यहां से पूरे जयपुर में जरूरतमंद लोगों के लिए खाना पहुंचाया जा रहा है। साथ ही लॉकडाउन के दौरान पशु पक्षियों और गायों के लिए भी खाने का पूरा इंतजाम इन संस्थानों की ओर से किया जा रहा है। इस दौरान नवरात्रि में अष्टमी को देखते हुए विशेष भोजन तैयार किया गया और शहर के 25,000 लोगों को ये भोजन वितरित किया गया है। पर रसोई लगाई हुई है और सर्वमंगल सेवा समिति आर्य समाज और फोर्टी के सौजन्य से करीब 10 से 12 हज़ार भोजन के पैकेट रोज बन के जा रहे हैं और लोगों का हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा। आज जैसे नवमी और अष्टमी है तो अष्टमी और नवमी पे हमने लोगों से अपील की है कि वो बाहर नहीं जा सकते तो यहाँ पर घर से खाना बना के भेजें और जिससे हम लोगों को कन्याओं को इससे बड़ी सेवा कन्याओं के लिए जो घर में बैठी हैं उनसे उनका सेवा नहीं हो सकती तो हमने सबसे अपील की है और लोगों में असर भी हो रहा। और एक अपील हम ये करना चाहते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और अपना ध्यान रखें और मास्क लगा के रखें। डॉक्टर्स अपना धर्म निभा रहे हैं, सुरक्षा कर्मचारी अपना धर्म निभा रहे हैं, सफाई कर्मचारी अपना धर्म निभा रहे हैं, मीडिया कर्मी अपना धर्म निभा रहे हैं, सामाजिक संगठनों से भी उन्होंने अनुरोध किया था कि वो भी अपने फर्ज को देखें, अपने फर्ज पहचाने। तो उसको देखते हुए हमने भी ये सोचा कि क्यों ना हमारे भी इस यज्ञ के अंदर होती पड़े ता जो रात को बच्चा भूखा नहीं सोए। आज अष्टमी का दिन है, हमने कल अपील की थी के अंदर आपको कंजके नहीं मिलेंगे, वो कंजके कच्ची बस्ती में बैठी हुई हैं, भूख से व्याकुल हैं, दो दो तीन दिन दिन से खाना नहीं खाया। तो लोगों ने उसकी हमारी अपील को स्वीकार किया, बहुत सारे लोगों ने आज घर से हलवा पूरी बना के भेजा। हम भी आज हलवा पूरी और चने जो अष्टमी में दिया जाता है उसके पैकेट बना के दे रहे हैं। लगभग आज 7 दिन हो गए हैं, 8 दिन हो गए, 12 से 13 हज़ार पैकेट, लगभग 25,000 आदमी, क्योंकि एक पैकेट के अंदर करीब 2 आदमियों का खाना होता है, 25,000 आदमियों के अंदर खाना ये पहुंच रहा है।